सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है, जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे। श्रावण, दो सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब दो श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देव अधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये दो महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, दो दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहां लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहां, कुंडी तुम्हारे यहां, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले, उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव दो महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया, इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा यह बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा यह बना दो, उन्होंने कहा यह बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो, हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोक धोक के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा सारी दुनिया की।